अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक अनदर एपिसोड GTA 5 रियल लाइफ मोड्स। तो गाइज, मैंने आपसे पिछली वीडियो के अंदर पूछा था कि हम ड्राइवर को, ताकि हम गाड़ी के ऊपर जाते थे तो यार काफ़ी फ्यूल का हमें खर्चा पड़ रहा था, तो आपसे मैंने कहा था हम CD70 2021 परचेस्ट कर ले। तो आप भाइयों ने कहा था जी भाई करें, और आज दो बाइक मैं देखने जा रहा हूँ, एक नहीं है दो बाइक्स हैं, ठीक है। तो आप भी देखिएगा, मुझे तो CD70 अच्छी लग रही है 2021, तो देखते हैं आप दूसरी कौन सी है, तो आप डिसाइड कर लेना फिर हम कौन सी परचेज करें, ठीक है। तो चलते हैं यार, मैंने बंदे को एक वैसे दोस्त दिया यार, ठीक है ना, तो उसी से ही परचेज करनी है, बस दूर का रिश्तेदार समझ लो, ठीक है, तो उससे परचेज करनी है, ठीक है। तो निकलते हैं, रिश्तेदार नहीं है वैसे यार, फ्रेंड ही है बस। तो वो इधर बस सैंडी शोर में गाड़ियाँ से ये छोटी मोटी किसी से लेके सेल करता रहता है, तो उसी से जा रहे हैं आज परचेज करने, ठीक है। तो उसने कहा था ठीक है ड्राइवर भाई, आपको मैं अच्छी ही बाइक दूंगा, कोई एक्स्ट्रा पार्ट वाली नहीं ना दूंगा, जो आउट ऑफ पार्ट लगे होते हैं, मतलब कि ओरिजिनल उतार के दूसरे लगा देते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है यार, उस पर भरोसा यार, ये V8 के ऊपर क्या यार, मैंने ठीक यार परचेज की है कि नहीं की यार। अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो ये भी देखो, काफ़ी मज़ेदार था, ठीक है। तो फिर आपको यार अभी मैंने शोरूम भी दिखाना है, अभी बहुत यार कुछ आपको दिखाने वाला है वीडियो में, ठीक है। तो सभी कुछ एक एक करके आपको दिखाता हूँ, पहले निकलते हैं भाई CD70 देखने जाते हैं, 2021 मॉडल, बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। तो अगर यार दूसरी भी देखेंगे कौन सी है, ठीक है। उसने कहा था यार दोनों ही पाकिस्तानी हैं, तो आप आके देख लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। ओ भाई, लगते लगते बची है ये, अगर लग जाती ना तो कसम से इसका तो काम हो जाना था। तो यार ये V8 काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगती है यार, इसी वजह से मैंने परचेस्ट की है। कैसी लगती है ये देखो, कमाल की है यार। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार अभी तक क्या कर रहे हो, फिर आपने किया ही नहीं कुछ यार अभी तक, यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप यार मूड की वीडियो के ऊपर कसम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हो, लेकिन यार रियल लाइफ मूड्स के ऊपर नहीं आप अच्छा रिस्पॉन्स देते यार, प्लीज़ इसके ऊपर भी अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया करो, ठीक है गाइस। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे, और मैंने क्या करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट ही है आपसे। तो भाई मैं गाड़ी फुल स्पीड से लेकर आ रहा हूँ, ये लगने वाली है भाई, रुक जा यार। सैंडी शोर में ये रेतला इलाका है, तो गाड़ी का देखो सत्यानाश हो गया यार मेरी का, यार अजीब हो गई है गाड़ी यार, गंदी इतनी हो गई है यार। और इधर आप तो गाड़ी धुलवाने वाला भी कोई सीन नहीं है सैंडी शोर में। चलो भाई, ये बंदा इधर, इसने ना बैक साइड पर ये रहता है, और इधर ये यार ये चोरी की बाइक भी रखता है, ध्यान करेंगे, ठीक है ना। वैसे यार मुझे तो ऐसे इसने अगर भी बाइक में मंडी तो इसकी, मैंने कह रहा है मेरे तो होंगी भाई, मैं गाड़ी भाई V8 देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने पार्क की है यार, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, आपको कैसी लगी है यार ये देखो यार, ये गंदी बड़ी हो गई यार, चेक करो कितनी मट्टी लगी है इसके ऊपर। चलें कोई बात नहीं, निकलते हैं भाई आगे, और उससे यार देखते हैं भाई ये CD70। ये देखो यार, मुझे तो यार ये प्राडो V8 काफ़ी प्राडो नहीं V8 है सॉरी गाइस, बड़ी ज़बरदस्त लगती है यार, इसकी शेप बड़ी ज़बरदस्त लगती है, दिल को छू जाती है गाड़ी। और भाई निकलते हैं, हाँ और से जाएंगे ना भाई, ताकि बाइक परचेज करने आया हूँ। और यहाँ पर इसमें यार ये देखो पार्किंग भाई, ये एक CD70 2021 है, ये है C7 ड्रीम है बाइक मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम ड्राइवर भाई जी, बहुत खुशी हुई तुसी मेरे को गड्डी पर टेस्ट करन आए दसिया सी। हाँ यार, ये कौन कौन सा मॉडल है ड्राइवर भाई? एक CD70 2021 है, एक C7 ड्रीम बाइक है यार, बढ़िया जबरदस्त है, कमाल दिया भाई, कमाल दिया, आला किस्म दिया। अच्छा तो गाइस, वीडियो के दरमियान में बताना चाह रहा हूँ मैं, एक मुझे दानियाल भाई ने, मतलब के खान गेमर्स एंड ग्राफिक्स चैनल है, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उन्होंने CD70 2021 का मूड मेरे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच भाई आपका। और ये दूसरा है इट्स AB प्लेयर, मेरे ख्याल से यही चैनल है, उन्होंने ये C7 रिडीम बाइक मुझे दी है, थैंक यू सो मच उनका भी। और भाई भाई खान के दानियाल भाई के होने वाले हैं 2K के ऊपर ये CD70 2020 लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, 2021 लॉन्च कर रहे हैं। तो भाई उसके रह गए 50 या 60 सब्सक्राइबर, यार जल्दी जल्दी करवाओ और ये लॉन्च करवा लो, ठीक है।
तो फिर वो इसको पब्लिक कर देंगे भाई। बहुत ही दिल के अच्छे हैं यार, जाएं उनके चैनल को सपोर्ट करें भाई। वो देखो कितने टैलेंटेड बनते हैं यार। उन्होंने ये चेक करो पीछे यार, सीट के ऊपर रैपर कितना अच्छा दिया यार। मुझे तो ये हिसाब से अच्छा लगा है कि रैपर जो उन्होंने पीछे लगाया है ना यार, कमाल कर दिया यार, कमाल के बंदे हैं। तो भाई जाएं उनको जाके सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी उनके टूर के कंप्लीट करवा दो, ठीक है गाइस प्लीज़। तो ये चेक करो भाई, कमाल है यार, उन्होंने अपने हर मूड मेरे साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच दानियाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कि आप मेरे साथ अपना हर एक मूड शेयर करते हैं और आपको दिखाने के लिए देते हैं। यार मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो, इसके ऊपर भी 2K कंप्लीट करो, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको भी सब्सक्राइब करो और उनका चैनल भी सब्सक्राइब करो। यार मैं गिर गया था, मैं नहीं प्लेयर गिर गया था, तो हॉस्पिटल में चला गया था, तो यहाँ से वीडियो स्किप की है थोड़ी सी। तो अब निकलते हैं, वो दूसरी भी चेक करते हैं, C7 ड्रीम ड्रीम बाइक है मेरे ख्याल से। यार नाम कुछ इसका मुझे समझ नहीं आया। ओ भाई क्या कर रहा, अन्य प्लेयर ही हैं यार इधर सभी। भाई अंदर जाता हूँ और इसको पार्क करता हूँ। यार मेरी तो ये यार इसका यार जो पाकिस्तान के अंदर रैपर होता है ना गाड़ी को, पर सेम यार सेम को सेम रैप की हुई है यार, कसम से यार। कैसे आइडिया भाई ने सोचा है इसके ऊपर यार, कसम से बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं यार। जाओ सब्सक्राइब करो उनको जल्दी जल्दी। तो गाइस इसको मैं इधर ना आगे पार्क कर देता हूँ यार यहाँ पर। और अब ये दूसरी भी भाई मैं चेक कर लूँ। हाँ जी हाँ जी ड्राइवर भाई, दोनों बेफिक्र होकर चेक करो बाइक का, पाकिस्तान या फर्स्ट क्लास आई है मेरे को। यही तो बात है पाकिस्तान यार। अभी इसके पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, C7 नहीं ड्रीम यार डीम। अगर यार मैं गलत नाम बोल रहा हुआ तो उसके लिए हम रियली सॉरी, ठीक है। और यार ये भी भाई बहुत अच्छे हैं, इनके मेरे ख्याल से 300 सब्सक्राइबर पर ये लॉन्च करने वाला है। तो इनके चैनल को भी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाएँ जाके सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ये भी लॉन्च हो जाएगी बाइक इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। यार काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने भी मूड बनाया है, बहुत ज़बरदस्त बनाया, चेक करो भाई। हाय हाय कमाल की यार कटिंग देखो यार, कमाल की। पीछे नंबर प्लेटें कुछ नहीं लगी हुई भाई, अभी आपने खुद ही लगवानी है, ठीक है। मैं आ गया यार, नहीं 2021 नहीं भाई, परचेज करनी है, ठीक है। हम इसको बाद में भी ले लेंगे, लेकिन अभी शोरूम हमारा बन रहा है, अभी आपको वो भी दिखाना है, ठीक है गाइस। तो इसको फिर परचेज करके शोरूम के लिए मंगवा लेंगे हम, ठीक है। अभी यार नहीं, पर्सनल में रखो यार, होंडा की रखो, क्या ही बात। वैसे वो भी होंडा की है गाइस, ये बात नहीं है कि वो होंडा की नहीं है, वो भी होंडा की है, लेकिन यार इसका कितना दूं भाई। ड्राइवर भाई तुम सीधी गल दसा, मार्केट के 78 की वेक रही है, ठीक है। मठियाई का डब्बा पा के 500 दिया, तकरीबन 80 च पैंदी है, तुहाडे नाल 75, ठीक है। तो आ मेरा अकाउंट नंबर फड़ो। अच्छा यार बताओ, 0301 जब भी करो तब भी बात। यार अकाउंट नंबर बताओ। ओ भाई मैं पब्लिक नु थोड़ी दसना है, कर लेगा मेरा कोई अकाउंट। अच्छा यार बता दो ना, बता रहा हूँ यार, आपको मैसेज आ गया, ठीक है। ओके शुक्रिया भाई, आगे भी कोई गड्डी लानी है मेरे कोई बंदा लै के आयो। हाँ हाँ इंशाल्लाह क्यों नहीं, आपके पास ही तो लेकर आऊँगा मैं। तो गाइस मैं निकलता हूँ, अब इस गाड़ी को मैं कैसे लेके जाऊँ ये सोच रहा हूँ भाई। गाड़ी के पीछे आ जाएगी, देखते हैं भाई, निकलते हैं भाई। यार यहाँ से यार मुझसे पता नहीं क्यों इतनी बाइक, ओ भाई लग गए। चलो भाई उठाते हैं यार इसको, इसको उठाकर निकालता हूँ पीछे। और यहाँ पर देखते हैं, पहले मैं अपनी ना V8 को सीधा कर लूँ। इसकी बैक डिग्गी के अंदर तो बहुत स्पेस है भाई, ये बात नहीं है कि नहीं, स्पेस बहुत है यार इस गाड़ी में। आ जाएगी पीछे मेरे ख्याल से, आ जाएगी। ये देखो यार काफ़ी स्पेस है भाई पीछे तो। गाइस इसको मैं ना एक मरतबा सीधी करके ना, बिल्कुल सीधी करके है, बिल्कुल लश पश करके खड़ी कर दूँ, ताकि हमें वो बाइक पीछे रखने में आसानी हो जाए। तो ये मैंने खड़ी कर दी है। चलो यार इस पर बैठते हैं और इसका एक राउंड मार कर इसको पीछे खड़ा करते हैं, ठीक है। चलें भाई मैं इसको घुमाता हूँ यहाँ से। ओ भाई फिर लगी भी लगती बाइक मुझसे, तो इधर लग जाती है पता नहीं क्यों। चलो भाई मैंने खड़ा करते मिल दो
यार फाइनली मैंने इसको पीछे खड़ी कर दिया यार, फिट हो गई है। पीछे वाली बस डिग्गी तो नहीं बंद होगी, और यार इसको बंद भी क्या करना है, वैसे ये तो नज़दीक ही घर है, इसको उठाते हैं ले जाते हैं यार। आए हाय हाय क्या भाई, फुल्ली पैसे की बचत भाई हम कर रहे हैं। शोरूम बना रहे हैं अभी, आपको शोरूम भी मैंने दिखाना है यार, काफ़ी ज़बरदस्त बन रहा है, तो आपको वो भी उम्मीद तो है बहुत अच्छा लगेगा शोरूम भी। अब हमारा जैसे जैसे आगे आगे मैं कस्टमाइज़ करूँ गाइस, बीच में बताना चाह रहा हूँ कि शोरूम मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये मूड मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया होगा शोरूम का, कि आप समझ लो वे पे वो है, ये इसके ऊपर मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। शोरूम जो है मैं खुद बना रहा हूँ, तो उसको खुद कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, सभी कुछ उसकी मैं चीज़ें वगैरह खुद अपने जहन से बना हुआ उसको, ठीक है। तो इसीलिए टाइम लगता है, तो वीडियो लेट हो जाता है उसके लिए। निकलते हैं भाई, ओ भाई लगते लगते बचे, और भाई बहुत बचे हैं ऐसे हमसे बोल। चलो यार निकलते हैं, और भाई कितनी स्पीड पर जा रहे हैं, आए क्या ही बात है भाई, वेट की या स्पीड चेक करने वाली होती है, और वरना आगे का बम्पर शम्पर सभी कुछ गया था, लेकिन यार काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। यहाँ से मैं घुमाता हूँ रोहन को बोलूँगा कि पीछे सीडी 70 उतारे, तो गाइस रोहन ने फाइनली इसको उतार के फिर अपनी बंदूक ली है। तो निकलते हैं भाई अंदर इसको, भाई अब पार्क करते हैं, जब हमने कहीं सिटी में जाना हुआ या किसी के साथ जाना हुआ तब लेकर जाया करेंगे। अब इसको भाई अंदर पार्क करते हैं, यार ये प्राडो की है, ओहो V8 की, सॉरी क्या ही बात है भाई। तो गाइस मैं इसको ज़रा के इधर साइड पर लगा दिया करूँगा, ताकि कोई इसको ले भागे ना, ताकि घर के मेरे के वैसे दरवाजे कोई नहीं है, सुभान अल्लाह। तो क्या ही करते हैं, चलो यार मुझे वाशरूम बहुत स्पीड से आ रहा है यार, ज़रा तुसी भी यार पानी शानी पी लो, तो मैं भी ज़रा फ्रेश हो लूँगा। तो गाइस फाइनली मैं यार सुकून मिल गया यार, फ्रेश हो गया हूँ यार, एक मतलब आया है, मज़े आ गए। चलो यार अब निकलते हैं भाई सीडी 70 के ऊपर, भाई जाते हैं आपको शोरूम दिखाते हैं, ठीक है यार। आए है क्या बात है यार, ये रोन की बाइक एक ले देकर बैठ गई है, ये डिब्बा था चार व्हील वाला रखा हुआ इसने। चलो भाई निकलते हैं यार, ओए क्या कटिंग है यार इसकी कसम, और मैं यार मेरा शोरूम यार इधर नज़दीक ही अपने घर के पास, बिल्कुल प्रॉपर्टी परचेस की है, टेंशन ही कोई नहीं भाई किसी भी किस्म की। भाई यार चैनल पर नहीं हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक भी करना, ठीक है यार प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करो चैनल को। और भाई अभी मैं एक भाई कह रहा था कि यार आपकी ये मैप शैप क्यों नहीं शो हो रही है, लो भाई हो गए शो, आपकी भी रिक्वेस्ट मुकम्मल होगी, ठीक है। तो भाई ये है अंदर से कुछ हमारा शोरूम माशाल्लाह, अभी यहाँ तक हमने काम करवा लिया है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का करवाया है काम। ये चेक करो भाई विंडो, आए है कमाल की भाई, विंडो भी लगवा ली है ताकि आने जाने वालों की नज़रें। और यार शोरूम का नाम क्या रखे प्लीज़ कमेंट करो, शोरूम का हमने अभी नाम भी रखना है, उसके लिए बैनर भी छपवाना है मैंने, और इधर अभी हम कार पेयर का रखेंगे, ऊपर सीढ़ियाँ भी लेकर जानी हैं, तो काफ़ी यार मुझे काम है इधर शोरूम का करवाना है मैंने, ठीक है। चलें भाई ये था मिस्त्रियों का, यार मैंने छुट्टी दे दी थी बेचारों ने जाना था कहीं, तो मैंने कहा ठीक है यार आप जा सकते हैं, तो ये चेक करो, ठीक है। अभी वो इन्होंने माशाल्लाह बहुत स्पीड से काम करते हैं। तो गाइस अगर आपको ये एपिसोड लगा हो, अच्छा लगा हो, काफ़ी अच्छा लगा हो, ये अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग में, तो ओके फिर ध्यान रखना अपना बहुत सारा, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।